छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ और अब 15 अक्टूबर से द्वितीय चरण का आगाज किया गया है। 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत पूरे प्रदेश भर में की गई है, जो कि 4 चरणों में पूर्ण होगी। प्रथम चरण के जोन स्तरीय खेल समाप्त हो चुके हैं और द्वितीय चरण संभाग स्तरीय 15 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण के विजेता एक बार पुनः अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जिला स्तरीय तृतीय चरण के लिए चयनित किए जाएंगे। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 7 राधिका नगर के पार्षद आदित्य सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हृदय से धन्यवाद जताया है और साथ ही नगर पालिक निगम भिलाई को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि उन्होंने छतियों की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए उनके वार्ड में स्थित ग्राउंड को क्रीड़ा स्थल बनाया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के हो रहे आयोजन में नगर पालिक निगम भिलाई के नोडल अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर ने भी खेल की जानकारी न्यूज टीम को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़िया लोग जो गेम खेलते हैं, कबड्डी, गिल्ली, भौंरा, बाटी, कांची, ये सब खेल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत अच्छी पहल है। पर चूँकि ग्रामीण अंचल का खेल है, इसलिए शहर में ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सरकार तो चाहती है कि सभी लोग इस खेल में भाग लें और अच्छे से अच्छे अपने सेहत के भी ख्याल रखें, इसी उद्देश्य से लेकर सरकार ने योजना बनाई है और धीरे धीरे योजना शहर में भी सफल हो रहा है। पहले राउंड में तो यहाँ टोटल 350 बच्चे और बुजुर्ग सब मिला के 350 लोग पार्टिसिपेट किए थे और ये द्वितीय राउंड जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक है, आज ओपनिंग दिन है इसलिए कम है जी। इसका उद्देश्य सीधा और सरल है। हमारे बहुत ही संवेदनशील मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हैं, जिससे आज की पीढ़ी बहुत दूर होते जा रही थी, उसको जीवित करने के लिए हमारे भविष्य को, हमारे युवाओं को, आने वाले नौजवानों को हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से अवगत कराने के लिए बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन चालू कराया है, जिसका कि प्रथम चरण बहुत ही शानदार रहा, संपन्न हो चुका है। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज वो आकर के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। 17-17 फीट तक की लंबी कूद कर रहे हैं, भौरा चला रहे हैं, बाटी खेल रहे हैं, बिल्लस खेल रहे हैं और यही नहीं, बच्चे ही नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि इसमें उन्होंने उम्र की कोई बाधा नहीं रखी है। इसमें 40 प्लस से लेकर के 60 साल तक के हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, जो रस्सा कसी का और पिट्ठुल का मजा लेते हैं। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और भिलाई नगर निगम के साथियों का भी धन्यवाद करूँगा कि जोन 1 में हमारे वार्ड को चुना गया, राधिका नगर के ये मैदान में, आरके ग्राउंड में यह आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे निगम प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी। मुझे तो पिट्ठुल बड़ा पसंद है, पिट्ठुल में जिस तरह से मारकर भागते हैं और उसको रोकना होता है लगाने से, बड़ा मजा आता है। मैंने भी पहले वाले गेम में पार्टिसिपेट किया था और खेला, बहुत मजा आया था हम लोगों को, बहुत बढ़िया भविष्य। जो बच्चे सिर्फ अपने घर में मोहल्लों तक सीमित रह जाते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। मैं इसके लिए सभी बच्चों से अपील भी करूंगा कि वो भाग लें और अपना भविष्य इसमें संवारें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के द्वितीय चरण के पहले दिन वार्ड 7 में चल रहे ओलंपिक मैदान में वार्ड पार्षद आदित्य सिंह पहुंचे और उन्होंने भी बच्चों के साथ मिलकर विभिन्न खेलों को खेला और इस ओलंपिक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।